हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट किरण चौधरी ने नामांकन भर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद किरण चौधरी ने कहा कि वो सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी समेत सभी विधायकों का धन्यवाद करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार का बीजेपी के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर ही वो बीजेपी में शामिल हुई। हमेशा से उन्होंने बहुत ईमानदारी और नियत के साथ काम किया है और अब आने वाले समय में भी राज्यसभा में हरियाणा के सभी विषयों को वो उठाएंगी। तो वही किरण चौधरी के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे विधायकों के साथ जोगीराम सिहाग, अनूप थानत, नैनपाल रावत, रामनिवास सुरजाखेड़ा, रामकुमार गौतम और गोपाल कांडा ने भी किरण चौधरी को समर्थन दिया है। पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि राज्यसभा में किरण जाएंगी, जहां वो हरियाणा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और साथ ही राज्यसभा में भी बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। साथ साथ अन्य विधायकों ने भी आज किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है। हमारे जोगी राम जी सिहाग और हमारे राम निवास जी सुरजाखेड़ा, राम कुमार जी गौतम, अनूप धानक जी और हमारे नैनपाल रावत जी, हमारे इन सब विधायकों ने भी और गोपाल कांडा जी, इन सब ने किरण चौधरी जी को अपना समर्थन पत्र दिया है। नॉमिनेशन फाइल हुआ है। मैं किरण चौधरी जी को इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय किरण चौधरी जी का लंबा एक्सपीरियंस रहा है और लंबे समय तक विधायक भी रही हैं, दिल्ली में विधानसभा की अध्यक्ष भी रही हैं और हरियाणा की समस्याओं को मजबूती से उठाने का जो इनके पास एक विजन है, उस विजन से हमारे हरियाणा के एक बड़ा लाभ राज्यसभा में जाने से मिलेगा। हमारी ताकत राज्यसभा के अंदर हरियाणा की ओर बड़ी है और मैं बधाई देना चाहता हूं किरण चौधरी जी को कि हरियाणा की समस्याओं को, हरियाणा की बातों को वो राज्यसभा के अंदर मजबूती से सरकार के ध्यान में लगाने का काम करेंगे। तो भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ के साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और सारे के सारे जितने विधायक जो हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, जो भाजपा के विधायक हैं और जो अन्य विधायकों ने आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी, ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा स्वभाव कि हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नियत से काम करा है और आने वाले समय में जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि विधानसभा कह रही हूँ राज्यसभा के अंदर हरियाणा के सारे जो मुद्दे होंगे आपने देखा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाए हैं, उसी तरह से इसमें राज्यसभा के अंदर भी जो हरियाणा के जनहित के मुद्दे होंगे और जो पार्टी का जो हित होगा उसको सर्वोपरि रखते हुए मैं काम करूं। मैं यहां पर अब जो है पूरे हरियाणा के अंदर जहां जहां आप जानते हैं चौधरी बंसीलाल जी का पुराना नाता रहा है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पुराना नाता रहा है,
और हर जगह पर जो है उनके समर्थक हैं, उनको पूरी तरह से भाजपा के अंदर जो है शामिल करवाई दिया है और आगे जो है चुनाव के अंदर जहां जहां पार्टी मेरे को भेजेगी और मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी वहां पे मैं हमेशा